सौ एक राष्ट्रीय सौ हो चुका है और धन्यवाद दूंगा मैं होमगार्ड्स के जवानों को जिन्होंने विकास खंड स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक इस बृहद जागरूकता मार्च के माध्यम से राष्ट्रीयता का भाव प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए जो कार्य किया है, आज यहां पर आपके इस तिरंगा मार्च के माध्यम से उसकी एक झलक हमें भी देखने को मिली है। इस देश के प्रति भारत के हर नागरिक का अपना दायित्व है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि आज हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो अस्मिता है, वह इसलिए है क्योंकि यह हमारा देश है। हम सुरक्षित हैं इसलिए क्योंकि हमारा देश सुरक्षित है। हम खुशहाल हैं इसलिए क्योंकि हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खुशहाली के मार्ग पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। भारत के अंदर हर व्यक्ति के मन में उत्साह और उमंग है इसलिए क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हर व्यक्ति को जोड़ने का जो कार्यक्रम बना है, यह आजादी का अमृत महोत्सव उस बात का प्रमाण हम सबके सामने है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से दुनिया की इस सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए जो प्रयास हुए वे अभिनंदनीय है। हर तबके का अपना योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हेल्थ वर्कर्स अपनी जगह काम कर रहे थे, प्रशासन, शासन, पुलिस के कार्मिक, होमगार्ड्स के जवान, और समाज के अलग अलग तबके के लोगों के द्वारा जो कार्य किया गया, इस सदी के सबसे बड़ी महामारी के संकट के दौरान वह दुनिया के सामने एक उदाहरण बना है। और आज जब हम सब इस कोरोना महामारी के कई चरणों के जो वेव्स थी उन सब को रोक करके, नियंत्रित करके हर व्यक्ति के जीवन और जीविका को गारंटी दे रहे हैं, उसकी सुरक्षित की गारंटी दे रहे हैं, उन स्थितियों में आजादी का यह अमृत महोत्सव हम सब के लिए एक नए उज्जवल भविष्य की तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 11 से लेकर के 17 अगस्त के बीच अमृत महोत्सव सप्ताह का आयोजन पूरे देश के अंदर आयोजित है और स्वाभाविक रूप से देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें भी थी। मुझे प्रसन्नता है समाज का हर तबका बढ़ चढ़ करके इस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बन रहा है। क्या सरकार के मंत्रियों या प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हो या एक जवान, और ऐसे होमगार्ड विभाग में भी हर एक स्तर पर हर व्यक्ति स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। प्रभात फेरियां निकाली गई, तिरंगा यात्राएं निकाली गई, 13 से 15 के बीच हर घर तिरंगा के अभियान के साथ हर नागरिक जुड़ रहा है। तो आज 14 विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में भी प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मौन मार्च आजादी की उस विभाजन की त्रासदी को स्मरण करते हुए उस एग्जीबिशन के साथ जुड़ने के लिए आज सायंकाल 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे के बीच हर जनपद में ये मार्च निकाला जाएगा। यानी ये कार्यक्रम इस बात की गवाही दे रहा है
कि हम क्रमबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। कल देश की आजादी का अमृत महोत्सव उल्लास और उमंग के साथ पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर मनाया जाएगा। लगातार कार्यक्रम चलेंगे। सरकारी भवनों को जिस प्रकार से डायनेमिक फसाद लाइटिंग के साथ जोड़ा गया वह दर्शनीय है। प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 वर्षों के लिए अमृत काल हम सबके सामने निर्धारित किया है कि आगामी 25 वर्ष की हमारी कार्य योजना क्या होगी, हमें अपने भारत को कहां ले जाना है। एक समृद्ध और सुरक्षित भारत के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, अपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। ईमानदारी के साथ किए गए प्रयास उतने ही सार्थक परिणाम हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। और इसीलिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए जब आपने ब्लॉक स्तर से लेकर के प्रदेश स्तरीय इस तिरंगा मार्च के माध्यम से आप सब होमगार्ड के 90,000 जवान और उनके परिवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, कभी भी राज्य सरकार ने आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, हर स्तर पर सम्मान देने का कार्य भी किया। मेरे पास जब 2 वर्ष पहले प्रस्ताव आया था कि होमगार्ड के ऋतिक परेड में अगर आप आ सके, मैंने कभी क्यों नहीं आऊंगा, और मैं स्वयं इस परेड में भागीदार बना था। मेरे सामने प्रस्ताव आया था होमगार्ड के जवानों को मात्र 300 रुपए भत्ता प्राप्त होता था प्रतिदिन का। हमने कहा इसको बढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और फिर उत्तर प्रदेश के होमगार्ड के जवानों को भत्ता उसी प्रकार से आज प्राप्त हो रहा है जैसे पुलिस कार्मिकों को प्रदेश के अंदर प्राप्त होता है। यही नहीं, होमगार्ड के जवानों के लिए अगर किसी दुर्घटना का शिकार दुर्भाग्य से हो गया, बीमा का कवर नहीं था, हमने कहा राज्य सरकार के स्तर पर हम लोगों ने 5 लाख रुपए उस परिवार की सहायता के लिए उपलब्ध करवाए। और मुझे प्रसन्नता है कि जब से व्यवस्था हुई, यद्यपि हर व्यक्ति की मौत दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन शासन के स्तर पर क्या सहयोग हो सकता है। 800 से अधिक होमगार्ड्स के परिजनों को इस प्रकार की सहायता 5 लाख रुपए प्रति परिवार सहायता की भी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा जो अनुमन्य सहायता थी उन परिवारों को इस दौरान प्राप्त हुई। प्रदेश के अंदर बीमा का कवर देने का हो या फिर समय समय पर प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएं, राज्य सरकार इन सब के साथ जुड़ी हुई